पापा मिठाई ले रहे हैं यहाँ से। तो गाइस अपनी मिठाई ले लिए और अब चल रहे हैं। हमसे मिलने आए थे एटा से और ये आंटी आई थी, तो आंटी मेरे लिए फूलों की माला लेके आई है, मेरा स्वागत। ठीक है दीदी, बाय बाय, जल्दी मिलेंगे फिर। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज मैं फिर से जा रहा हूँ मैनपुरी पलक दीदी से मिलने, क्योंकि पलक दीदी पिछली बार थी नहीं घर पे, और औरैया गई हुई थी, किसी न्यू इवेंट था उसमें। सो आज मैं फिर से जा रहा हूँ मैनपुरी उनसे मिलने। तो फिलहाल मम्मी यहाँ पे आज मटर पनीर बना के ले जा रही हैं। ये देखिए गाइस, गाइस अपने बादाम और काजू पीस दिए हैं, अब है लहसुन प्याज की बारी, उसके बाद टमाटर पीसेंगे। ये देखिए गाइस सारी चीज़ तैयार हो चुकी है, पनीर काट के रख दी है मम्मी ने, और ये रही मटर, और ये काजू बादाम का पेस्ट, ये टमाटर का पेस्ट, ये लहसुन प्याज का पेस्ट, और ये ऊपर से काजू हैं, ये बाद में पड़ेंगे। और गाइस ये इतना पनीर ऊपर से कद्दूकस करके डाला जाएगा जैसे सारी सब्जी रेडी हो जाएगी उनके, उसके बाद। सो गाइस पलक दीदी घर पे जाने के लिए हो चुकी हैं रेडी, पापा कपड़े पहने हैं, मम्मी और मैंने पहले ही गाड़ी भी साफ कराया मैं, और चलो फिर चल के आपको दिखाते हैं। ओके, पापा मिठाई ले रहे हैं यहाँ से। तो गाइस अपनी मिठाई ले लिए और अब चल रहे हैं पापा, बस उनको पेमेंट कर रहे हैं पूरा। गाइस वो है अपनी गली, और इसी के सामने जस्ट सामने चेतन हलवाई की दुकान, ये देखिए। और फिलहाल मैं ठंडी सड़क पे खड़ा हूँ अभी, सब यहाँ पे डीलर डीजल डलवा रहे हैं गाड़ी में। गाइस पहुंच चुके हैं पलक दीदी के गांव में शिव सिंहपुर, और वो सामने है भट्टा, देखिए। गाइस ये देखिए ये रहा भट्टा, यहाँ पे पलक दीदी वीडियो बनाने आया करती हैं। पलक दीदी के पास आ चुका हूँ, तो हमने रील्स वगैरह बनाई, काफी अच्छा लगा, बहुत मजा आया। तो कैसे हो आप सब, भैया को सपोर्ट करना, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा भैया को सपोर्ट करना, और हाँ इनके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ये मेरा भाई है।
आज आप लोगों की पहचान करा रही हूँ, बहुत दिनों बाद मिला है इस वजह से। तो सभी लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और इंस्टा आईडी को फॉलो कर लेना, ठीक है ना। तो चलिए अभी हमने रील्स बना ली हैं, आप लोगों को मिलेंगी इनकी इंस्टा आईडी पे, तो जाइएगा ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा और भाई को सपोर्ट दीजिएगा, ठीक है दीदी। से मिलने आए थे एटा से और ये आंटी आई थी, तो आंटी मेरे लिए फूलों की माला लेके आई है मेरा स्वागत करने के लिए। इतना सोचा नहीं था, मतलब इतना प्यार मिलेगा मेरे को, मतलब भगवान ने बेटी नहीं थी इसलिए बेटी दे दी। जी बिल्कुल बिल्कुल, बेटी का फर्ज निभाऊंगी आपका, बिल्कुल आपकी बेटी ही हूँ मैं आज से हमेशा रहना। तो दोस्तों मैं इनकी बेटी आज से, तो अभी ये मेरा मतलब सम्मान करेंगी जो कि है, मैंने इतना सोचा नहीं था कि इतना सब कुछ भी होगा आज इस संडे को, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना ताकि मैं और ऊंचाइयों को छूं और आप सबका गर्व से सर ऊंचा करूं। सो थैंक यू आंटी इतना प्यार देने के लिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू भैया। बस बंद कर दो पिताजी, काम करके आई हैं। ये रही मेरी माता जी और ये रहे हमारे ब्रह्मदेव महाराज, तो सबसे पहले बोलिए ब्रह्मदेव महाराज की जय। तो दोस्तों अभी बहुत ज्यादा अंधेरा हो गया है, आंटी को लेके चलते हैं घर पे क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम हो गया, अब चलते हैं घर पे, इनको घर दिखाते हैं, बिठाते हैं, लाते हैं। चलिए चलो आंटी घर चलते हैं। हम लोग जा रहे हैं दीदी के घर से। राम 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 राम, चलते हैं। अरे बैठो, अरे बैठो बैठो बैठो, पुलिया खड़े, ठीक है दीदी बाय बाय बाय, जल्दी मिलेंगे फिर। अपने घर बस ये है पलक दीदी के गांव की मोड़, ये इस साइड वाली है। तो गाइस अपने एटा में पहुंच चुके हैं, पलक दीदी से मिलके आ चुके हैं, जीटी रोड पे हैं अभी, ये देखिए गाइस वी मार्ट। गाइस पापा ने हमें छोड़ दिया, हम लोग जा रहे हैं, ये है सैयद, तो पापा जा रहे हैं, पापा गए हॉस्पिटल और चलो हम चलते हैं अपने घर। तो गाइस अपनी गली में आ चुके हैं, तो गाइस पलक दीदी से मिलकर घर पे आ चुके हैं और बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके, बहुत अच्छी आदत थी उनकी सब लोगों की, बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया, काफ़ी सारी रील्स बनाई, ब्लॉग भी बनाई उनके साथ, तो वो कल ब्लॉग अपलोड कर देंगी, तो मेरा भी ये वाला ब्लॉग जो है कल आ जाएगा। ओके तो फिलहाल मैं करता हूँ एडिटिंग और इस ब्लॉग को करता हूँ एंड, बताना कैसा लगा आपको, अगर ब्लॉग पसंद है लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं गाइस जल्दी ही नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।